हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में किस तरह से कॉपी का पेज डिजाइन किया जाता है उसके बारे में हम आज सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अपने कंप्यूटर के एमएस वर्ड को ओपन कर लें। सबसे पहले पेज लेआउट पे जाएं, मार्जिन टैब पे जाके और यहाँ से कस्टम मार्जिन पे जाके यहाँ से पेज के मार्जिन को जीरो कर लेंगे। टॉप लेफ्ट इन सभी को जीरो कर लेने के बाद ओके। अब आप देखें कि यहाँ पे मार्जिन जीरो हो गया है। अब हमें इंटर प्रेस करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद अब फिर से हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से टेबल को ऐड करेंगे। ड्रॉ कर लेने के बाद इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ और इस लेआउट पे आएंगे। यहाँ पे आके हम इसकी हाइट को 0.35, आप देखेंगे इसका लाइनिंग के बीच में लाइन स्पेस बढ़ गया है। अब हम फिर से इंसर्ट में आएंगे और यहाँ से शेप और इस लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ कर्सर के ऊपर से शिफ्ट प्रेस करके लाइन को खींच लेंगे। इस पर क्लिक करके शेप आउटलाइन में आएंगे और यहाँ से इसके आउट कलर को रेड सेलेक्ट करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे लाइन पे और कंट्रोल प्रेस करेंगे। प्लस का आइकॉन आने पर इसको ऊपर की ओर खींच लेंगे। अब नीचे के लाइन में आना है और यहाँ पे कर्सर को प्लेस करके क्लिक करके और टैब को प्रेस करेंगे और टैब को प्रेस करते हुए नीचे की तरफ तक आ जाना है। और यहाँ तक हमने लाइन बना लिया है। अब फिर से इंसर्ट में आएंगे और शेप पे आएंगे और यहाँ से लाइन को फिर से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करेंगे और यहाँ से नीचे की ओर खींच लेंगे। शेप आउटलाइन में आकर इसके कलर को भी रेड कर लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे और जब इस तरह का कर्सर हो जाए तो कंट्रोल बटन प्रेस करके इसको थोड़ा सा आगे की ओर इसको ऊपर की ओर कर लेंगे। अब हमें फिर से इंसर्ट में आना है, शेप पे आएंगे और यहाँ से हम हॉरिजेंटल स्क्रॉल को सिलेक्ट कर लेंगे और पेज के ऊपर वाले साइड में राइट साइड में इसको ड्रॉ करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड टेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे डालेंगे पेज नंबर सिलेक्ट करेंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे। इंटर प्रेस के नीचे आएंगे और यहाँ पे डालेंगे डेट। फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ पे ईयर। इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ से इसके आउटलाइन को डेट सिलेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं आपका पेज कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो गया है। हमने पेज को डिजाइन कर लिया है। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।